स्टूडेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट एनवायरनमेंट एंड दिस विल स्कोप्स फॉर द यूटिलाइजिंग हार्मोन. ठीक है, जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पॉलीकस्टमिनेटिंग हार्मोन करवाया उसी को कंटिन्यू करके हम लोग यूटिलाइजिंग हार्मोन आज स्टार्ट करते हैं. अच्छा, व्हाट इज बेसिकली यूटिलाइजिंग हार्मोन? इसको हम लोग यूटिलाइजिंग हार्मोन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 89 अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है, एंड 115 बीटा अमाइनो एसिड चेन. अच्छा सॉरी, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है. ठीक है, इसको फिर आप लोग कह देना अमाइनो एसिड. ठीक है, अच्छा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कौन सा हार्मोन है? गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन. और प्रीवियस लेक्चर में आपको कहा था गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन का मतलब क्या है? हमारे पास गुनेट को रेगुलेट करेगा, लाइक एग को, ठीक है, एंड स्पर्म को. अच्छा एंड प्लस हमारे पास प्रोड्यूस एंड रिलीज बाय सेल, ठीक है, इन द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. अब सेम यहाँ पर भी इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. इट इज क्रूशियल, ठीक है, इन रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस इन मेल. ठीक है, मेल के टेस्टिस के फंक्शन को रेगुलेट करेगा और फीमेल के अंदर किसके फंक्शन को रेगुलेट करेगा? ओवी को. ये बोथ फंक्शन है इसका. अच्छा आते हैं फर्स्ट वन, मेल में क्या फंक्शन है? इन मैन यूटिलाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट लैडिक सेल. अब ये लैडिक सेल को इन द टेस्टिस में क्या करेगा? रेगुलेट करेगा एंड प्रोड्यूस विच हार्मोन इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, विच एक्ट लोकली टू सपोर्ट स्पर्म प्रोडक्शन. अब ये टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है कि स्पर्म प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है. इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन आल्सो एक्सर्ट इफेक्ट ऑल अराउंड द बॉडी. ठीक है, अब दैट इज बेसिकली व्हाट दैट इज द जेनेटिक इन मेल कैरेक्टरिस्टिक सच एज. अब मेल में खसूसियात जो होती हैं वो उनकी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, लाइक मसल मास. अब मसल मास का ज्यादा होता है, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स. लैरिंग्स होती है वो नेक में होता है, ठीक है, और ये जब है ये ब्रॉड हो जाती है. तो ब्रॉड होने के बाद मर्दों की आवाज क्या होती है? वो बारीक. एंड अनदर वन क्या है? ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर. अब बॉडी हेयर जो है वो फेस के ऊपर जो बेसिकली हेयर आ जाना, लाइक उनकी दाढ़ी आ जाना, ठीक है, बियर्ड बन जाना, साथ में उनकी मूंछें होती हैं, चेस्ट में उस पर हेयर आ जाते हैं. तो ये जो तमाम के तमाम फंक्शन है मेल के, ये कौन करता है? दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ द टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, सर इसको मैं डायग्रामेटिकली करवाती हूँ, तो आप इसको डायग्रामेटिकली करके देख लें बच्चे, तो फिर आपको सही समझ आएगी. अच्छा ये एक जनरल सा डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है, अब दैट इज बेसिकली व्हाट दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ये कंप्लीट देख लें आप लोग, ठीक है. अब ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और नीचे मेरे पास क्या है? मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया. अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें, सेम कंडीशन बचे यहाँ पर एलएच आते हैं हमारे पास. नेक्स्ट हार्मोन इज व्हाट? दैट इज द एलएच. अब एलएच जो है ये देखिए, ये टेस्टिस है, ठीक है, मेल के टेस्टिस मैंने रफली डायग्रामेटिकली ड्रॉ किए ताकि आपको फुल समझ आए. ठीक है, तो दैट इज मेल टेस्टिस. मेल टेस्टिस के अंदर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट एंड दैट सेल इज बेसिकली कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द सर्टोली सेल. ये देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस के किस किस टारगेट करेगा? लैडिक सेल को. लैडिक सेल जो है ये देखिए बच्चे, ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा हार्मोन? इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन हैविंग टू फंक्शन, जो बेसिकली इनके दो फंक्शन है. टेस्टोस्टेरोन टारगेट किसको करेगा? सर्टोली सेल को. और फिर सर्टोली सेल हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूस व्हाट? स्पर्म. ये स्पर्म की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है. प्लस हमारे पास दूसरा काम इसका क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर. तो सेक्सुअल फंक्शन इज व्हाट? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर में भी ये हेल्प करेगा. सेकेंडरी सेक्सुअल और दूसरा इसने क्या किया? उसने सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर किया. अब ये जो दोनों हार्मोन है, दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ एलएच. ठीक है, तो आपके पास हमारे पास ये जो एलएच है ये क्या करेगा? ये पहले टेस्टिस को टारगेट करता है. टेस्टिस के अंदर किस सेल को टारगेट करेगा? लैडिक सेल को. लैडिक सेल जो है वो हमारे पास हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन.
टेस्टोस्टेरोन हैविंग टू फंक्शन, फर्स्ट वन क्या करेगा, इट टारगेट द सर्टोली सेल टू प्रोड्यूस स्पर्म, ये स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और सेकंड वन इसका क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बैकग्राउंड में इट्स हैव, यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए आते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। अच्छा मेल में मैंने आप लोगों को अच्छा खासा आई थिंक डिटेल में करवा दिया है, आते हैं फीमेल की तरफ कि फीमेल की बॉडी के अंदर इसका क्या काम क्या होगा। अच्छा इन वुमेन यूटिलाइजिंग हार्मोन कैरीज आउट डिफरेंट रोल इन टू हाफ्स, ठीक है, ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन वीक वन ऑफ टू द साइकिल, ठीक है, टू ऑफ द साइकिल यूटिलाइजिंग हार्मोन बेसिकली व्हाट इज रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट द ओवेरियन फॉलिकल इन द ओवरी टू प्रोड्यूस अ फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। अब ये हमारे पास फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेगा और उस हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड नंबर एस्ट्रोइडल। अराउंड डे 14 डेज ऑफ द साइकिल अ सर्ज ऑफ यूटिलाइजिंग हार्मोन लेवल कॉजेस ओवरियन फॉलिकल टू टियर एंड रिलीज अ मैच्योर ओसाइट, ठीक है, टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म ओवरी। अ प्रोसेस इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन, ये मैं हर डिटेल में भी करवा दूंगी। फॉर द रिमाइंडर ऑफ द साइकिल, ठीक है, 3 to 4 week, ठीक है, week 3, the remnant, अब remnant का मतलब क्या होता है, जो ovarian follicle रह गया, ठीक है, अब जो ovarian follicle रह जाता है, इसका मतलब क्या होता है, remnant का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रह जाना, अब उर्दू में साथ साथ में मायने में लिखवा देती हूँ, and to form what, to form corpus luteum, अब बदले में यहाँ पर corpus luteum बनेगा, यूटिलाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द कॉर्पस ल्यूटियम टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस द प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पर यूटिलाइजिंग हार्मोन के दो फंक्शन है, एक कॉर्पस ल्यूटियम को पैदा करेगा, दूसरा ओव्यूलेशन, व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन में ये अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में ये हेल्प करता है। तो हमारे पास वुमेन में इसके टू फंक्शन है, हर डायग्राम मेडिकली मैं आप लोग को अभी एक्सप्लेन करवा दूं बच्चे। अच्छा वैसे प्रीवियस लेक्चर की तरह आते हैं उसी लेक्चर पर, ठीक है, उसी पॉइंट पर कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या किया, फॉलिकल सेल प्रोड्यूस किया, ठीक है, अब फॉलिकल सेल को एक्टिवेट किया, फॉलिकल सेल ने क्या किया, अभी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी हूँ, ये क्या करेगा, ओवा प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ में यही फॉलिकल सेल हमारे पास क्या करेगा, इसके दो फंक्शन है, एक क्या करेगा, एस्ट्रोजन की फंक्शन करेगा। तो पहला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिलीज बाय व्हाट, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप, ठीक है, सेकंड में ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, अब सेकंड में ये प्रोड्यूस हो गया, थर्ड स्टेप में इसने एक्टिवेट किसको किया, फॉलिकल सेल को, ठीक है, फॉलिकल सेल ने हमारे पास यहां पर देखे बच्चे इसने क्या बनाया, इसने बनाया ओवा या एग, ठीक है, फोर्थ स्टेज पर। प्लस हमारे पास इट आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एंड इन द वन इस हार्मोन इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड द एस्ट्रोजन। तो ये दो फंक्शन जो है आपको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के आपके पास यहाँ पर ये ओवर हो गए। अभी देखिए बच्चे यहाँ पर आपको जा रहा होगा पिंक और लाइट पिंक कलर, ये देखिए लाइट पिंक के अंदर मैंने डार्क पिंक कलर बनाया, दैट इज द ओवर, हम लोग इसको क्या कहेंगे, कॉल्ड नंबर एग, आप इसको एग भी कह सकते हो, ओवर। अब ये देखिए ये बाहर इसकी शेल है, तो इस शेल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड नंबर, हमारे पास ये जो शेल आपको नजर आएगा, ठीक है, ये शेल जो है दैट इज व्हाट, दैट इज द फॉलिकल सेल। अब ये जो शेल है ये आफ्टर देखे आफ्टर सम टाइम बाद ये रह गया और यहाँ पर एग जो है वो यहां से रिलीज हो गया, देखे कहाँ रिलीज हुआ, ये रिलीज हुआ फिलोपियन ट्यूब में, ये देखे यहाँ पर मैंने लिखा है कि दैट इज व्हाट, दैट इज द फिलोपियन ट्यूब, तो ये फिलोपियन ट्यूब में ये रिलीज हुआ। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ओव्यूलेशन, लेकिन ये खुद को खुद नहीं होता, that is done by the help of hormone and that one hormone is called, this is called the LH. तो अभी हम लोग पढ़ते हैं, अभी हम लोग स्टार्ट किया था LH, ठीक है, तो LH में हमारे पास ये आ गया सेवन स्टेप, सॉरी सिक्स स्टेप, ठीक है, वही वाला इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, इट विल बी प्रोड्यूस अ हार्मोन और वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विल कॉल्ड अप एट LH, ठीक है। अब LH टारगेट क्या, ये क्या करेगा, हेल्प करेगा ओव्यूलेशन में। अब ओव्यूलेशन किसको कहते हैं, जब एग रिलीज हो जाए और फ्लोपियन ट्यूब में आ जाए तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। तो ये मेरे पास सेवन स्टेज आ गया,
तो सेवन स्टेज में इसने क्या किया, इसने किया ओव्यूलेशन। यहाँ तक क्लियर है बच्चे कि इसने क्या किया, ये देखिए ये जो पिंक कलर का जरा आपको लगेगा डायग्रामेटिकली, ठीक है, इस डायग्राम में ये पिंक कलर का हमारे पास एग है, तो ये फॉलिकल सेल रप्चर होकर हमारे पास क्या बनाएगा, एग को रिलीज करेगा, और बाद में जो फॉलिकल सेल रह गया, ठीक है, ये देखिए ये वाला जो है वो फिर रह जाता है, ये वाला, अब ये हमारे पास रह गया फॉलिकल सेल। फॉलिकल सेल जो है वो रह जाता है, तो वो फिर कन्वर्ट होते हैं येलो कलर मास में। इस येलो कलर मास को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर कॉर्पस ल्यूटम, सो दैट इज द 8-1 स्टेज। तो 6-7 वहां पे है, अब ये 8-1 स्टेज हमारे पास क्या कहलाएगा, वैसे दैट इज कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटम। अब यही वाला कॉर्पस ल्यूटम जो है वो फिर हमारे पास क्या होगा, इट विल रिलीज अ हार्मोन, एंड इट विल हार्मोन कॉल्ड द प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के क्या करेगा, ये यूट्रस के अंदर किस चीज को बनाएगा, एंडोमेट्रियम। सो एंडोमेट्रियम इज प्रेजेंट इनसाइड द यूट्रस। फिर देखिए बच्चे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बेसिकली टारगेट किसको करता है, यूट्रस को, ठीक है, और यूट्रस के अंदर ये जो लेयर है एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है, ये वाला लेयर इनर लेयर ऑफ यूट्रस, इसको बनाने का फंक्शन क्या करेगा, दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम को कौन बनाएगा, प्रोजेस्टेरोन। सो प्रोजेस्टेरोन एक यहां पर करेगा, दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या है कि ओवा को या फर्टिलाइजेशन में ये हेल्प करता है, सो इट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन, हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन। तो ये दो फंक्शन है बच्चे हमारे पास यूटिलाइजिंग हार्मोन के, यूटिलाइजिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाने में भी हेल्प करता है, प्लस हमारे पास ओवा को या एग को रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये देखिए शेल इसका बाहर रह गया, वो जो बाहर रह रहा शेल है ये कन्वर्ट होगा कॉर्पस ल्यूटम में, और इस कॉर्पस ल्यूटम को फिर को प्रोड्यूस क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन को। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, वो एंडोमेट्रियम को बनाएगा यूट्रस के अंदर, ठीक है, ये वाला यहाँ पर, साथ ही साथ में ये फर्टिलाइजेशन में ये हेल्प करता है। आई होप सो बच्चे कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, यूटिलाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। मैं खैर दोबारा इसके नेक्स्ट पार्ट में आती हूं। अच्छा, ये एक ऑन द होल समरी है, इसको समरी को देखते हैं बच्चे। हमारे पास दैट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। तो इट रिलीज टू टाइप ऑफ हार्मोन इज कॉल्ड LH एंड another one is called FSH। अब LH टारगेट, ये देखिए मेल के टेस्टिस को टारगेट करेगा, ठीक है। तो LH के फंक्शन क्या है, मेल के अंदर हमारे पास दो फंक्शन है LH और FSH के, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोडक्शन ऑफ टेस्टिस, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन इन द ओवरी, ठीक है। इफेक्ट ऑन व्हाट, इफेक्ट हमारे पास क्या है, सेक्स हार्मोन रिलीज होगा। फंक्शन इसका क्या है, किस में हेल्प करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में। लेकिन ये कौन सा हार्मोन करता है, अभी मैंने लेक्चर में करवाया, ये कौन करेगा, FSH, ठीक है। तो FSH स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्लस LH जो है वो हमारे पास ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन को सिक्रीट करेगा, और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन किसको करेगा, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है। तो टेस्टोस्टेरोन के दो फंक्शन होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है, प्लस हमारे पास मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, ठीक है, पीनिस एंड स्पर्टम ग्रोथ में हेल्प करेगा, फेशियल लैरिंग जो है वो इनर पार्ट पे आती है, शोल्डर मेल का बॉर्डर होता है, बॉडी होती है उसकी, आर्म पिट एंड प्यूबिक हेयर आ जाते हैं उस पर, ठीक है, एंड मस्कुलेचर इंक्रीज बॉडी वाइड। तो मर्दों की जो बॉडी होती है वो वाइड होती है। अब फीमेल में देखिए बच्चे, ये फीमेल पे आते हैं, ये जो एस्ट्रोजन है इट इज प्रोड्यूस बाय विच, FSH, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब एस्ट्रोजन जो है इसके फंक्शन क्या है बच्चे, फीमेल सेक्स करेक्टर होते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, हिप्स ब्रॉडर होते हैं, प्यूबिक हेयर ग्रोथ हो गया, और प्लस हमारे पास फोलिकुलोजेनेसिस। सेकंड वन हमारे पास इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होगा, बेसिकली बिफोर प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी आर वेरी सेंसिटिव टू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सेंसिटिविटी ऑफ हाइपोथैलेमस हमारे पास क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक। अच्छा याद रखें, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन राइज होगा, रिमेम्बर वन थिंग, इफ FSH इज हाई, ठीक है, खैर मैं आपके ऊपर मैं लिखवा भी लेती हूँ, FSH इज हाई, जब इसकी क्वालिटी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, तो हमारे पास LH की जो क्वालिटी है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। तो बोथ जो है वो हमारे पास क्या है, वो नेगेटिव फीडबैक। तो LH इज व्हाट, LH इज लो, इफ LH इज हाई तो FSH इज लो। तो ये दो हार्मोन मैंने आप लोगों को डिटेल में करवा लिए थे, जहां से
आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए कितना काफी है, और अल्लाह हाफिज़।